वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। अब चलिए शुरुआत करते हैं कि घर के अंदर कल के दिन, जी हां, महज एक दिन हुआ है बिग बॉस के घर को शुरू हुए, ऑफ कोर्स प्रीमियर एपिसोड को अगर हटा दें तो एक दिन हुआ है, और ऐसे में ऑलरेडी तमाशा शुरू हो चुका है। कल घर का पहला दिन था, घर वालों ने 24 घंटे एक दूसरे के साथ बिताए और इन 24 में से 23.5 घंटे अगर कोई छाया रहा तो वो पुनीत सुपरस्टार थे। लेकिन घर के अंदर जो भी पागलपंती वो कर रहे थे और घर के बाहर जो वो करते हैं, उसके पीछे का असली सच क्या है? क्या जेन्युइनली उन्हें किसी की बात समझ नहीं आ रही थी? क्या जेन्युइनली वो अपने कैरेक्टर को मेंटेन कर रहे थे? देखो, कैरेक्टर मेंटेन करना अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्लेटफॉर्म जहां आप कॉन्टेंट दे रहे हो। जब आप इंस्टाग्राम पर कॉन्टेंट दे रहे हैं तो वो एक अलग चीज है, अलग दुनिया है। 30 सेकंड में लोग देखकर हंसकर स्क्रॉल कर देते हैं, बट जब आप बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पर हो, आप 24 घंटे दो महीने ढाई महीने तक लोगों की नजरों के सामने हो, आप वहां पर सेम कंटेंट नहीं दे सकते, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इस वक्त पुनीत सुपरस्टार की जिंदगी का जो दूसरा पहलू है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। अगर इस पागलपंती से छोटे 500 बच्चे 400 बच्चे खाना खा रहे हैं तो ऐसी पागलपंती करने के लिए मैं एक बार नहीं लाख बार करने के लिए तैयार हूँ, और आने वाले सातों जन्मों तक मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि पुनीत जो है वो बच्चों को, कई सारे लाखों बच्चों को जो है वो खाना खिलाते हैं पुनीत, और उनकी सेहत का ध्यान रखते हैं। जी हाँ, चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हैं, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि घर घर खाना बांटने से लेकर रास्तों पर जो बैठे रहते हैं लोग, जिनके पास दो वक्त की रोटी का भी इंतज़ाम नहीं है, उनके भी खाने का ध्यान जो है वो पुनीत सुपरस्टार रखते हैं। और जब से ये वीडियो सामने आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो अभी का है, ये वीडियो थोड़ा पुराना है, ऑफकोर्स कई लोग जानते हैं ऑलरेडी इस वीडियो को, बट मैं आपको बता दूं कि बहुत बहुत ज़्यादा फैंस जो है वो पुनीत, लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हर किसी का ये कहना है कि किसी का नाम कैसे होता है और किसी का नाम किसी और तरीके से होता है, लेकिन बदनाम होकर नाम कमा रहे हैं वो, बदनाम होकर पैसे कमा रहे हैं, और उन पैसों से घर जो है सिर्फ अपना नहीं चला रहे बल्कि बहुत सारे लोगों का घर चला रहे हैं। बट सिर्फ ये बात है कि एक मौका एटलीस्ट अगर उन्हें दोबारा मिल जाता, उन्हें कोई समझा के घर भेजे अगर कि देखो बिग बॉस का प्लेटफॉर्म अलग है, आप कुछ और तरीके से भी एंटरटेन कर सकते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, लोगों को पता चलना चाहिए कि आप रियल में कैसे हैं, तो लोग और ज़्यादा आपसे रिलेट कर पाएंगे, लोग और ज़्यादा आपके यू नो बातों को समझेंगे, आपकी बातों को तवज्जो देंगे। तो इन सारी चीजों पर आपको क्या है कहना, और पुनीत की इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, एक बार फिर मैं दिखा देती हूँ। अगर इस पागलपंती से छोटे 500 बच्चे 400 बच्चे खाना खा रहे हैं तो ऐसी पागलपंती करने के लिए मैं एक बार नहीं लाख बार करने के लिए तैयार। क्लियरली आपने देखा कि पुनीत का ये रिएक्शन है, आप इस पर क्या कहेंगे बताइएगा।